भिवंडी तालुका खानेवाली गांव को समाज कल्याण न्यास सामाजिक संस्था द्वारा दिया गया एम्बुलेंस भेंट। भिवंडी तालुका ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे इलाके आज भी हैं जहां पर आपातकालीन सेवा मरीजों के लिए साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में तो ऐसे है जहां पर रिक्शा या अन्य साधन के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए भिवंडी तथा पूरे महाराष्ट्र में कार्य कर रही समाज कल्याण न्यास द्वारा और संस्था द्वारा खानेवाली गांव में एम्बुलेंस रुग्णवाहिका उपहार स्वरूप भेंट की गई। खानेवाली गांव के लोग समाज कल्याण न्यास के संस्थापक अध्यक्ष सोनिया काशीनाथ पाटिल का आभार व्यक्त किया। आपको बता दूं कि ठाणे जिला भिवंडी तालुका के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उपचार के लिए पूर्ण रूप से आरोग्य केंद्र न होने के कारण मरीजों को या शहर अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में उनके समक्ष साधन की बड़ी समस्या बन जाती है। साधन की कमी के कारण मरीजों को ऑटो रिक्शा या अन्य साधनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र खाने वाली के लोगों ने समाज कल्याण न्यास द्वारा दिए गए एम्बुलेंस रुग्णवाहिका से लगभग 5 से 7 लोग गाँव के लोगों को इसका लाभ पहुँचेगा। समाज कल्याण न्यास के संस्थापक अध्यक्ष सोनिया काशीनाथ पाटिल ने ग्रामीण क्षेत्र को इसकी ज़रूरत समझकर भेंट स्वरूप एम्बुलेंस देकर उनकी समस्या दूर करने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। इस अवसर पर शिवसेना ठाणे जिला प्रमुख विश्वास तले नेता प्रकाश पाटिल, भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे, रूपेश मात्रे तथा समाज कल्याण न्यास के कार्य अध्यक्ष जयवंत पाटिल द्वारा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र खानेवाली गांव के सभी लोग प्रतिदिन तथा गांव वालों ने समाज कल्याण न्यास के अध्यक्ष सोना काशीनाथ पाटिल का तथा उद्घाटन में आए मेहमानों का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। काशीनाथ पाटील साहेब अध्यक्ष समाज कल्याण न्यास वहिनींच्या उपस्थितीमध्ये एक अभूतपूर्व सोहळा पाहायला मिळतोय। उभी राहील आणि त्या माध्यमातून या सोसायटीचा कसा विकास होईल